नमस्कार, खबर पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं जयकृति योगी और चलिए खबरों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं। दौसा जिले के सिकंदरा में एसबीसी अभ्यर्थियों के क्रमिक अनशन पर पीसीसी अध्यक्ष सचिन पायलट पहुंचे। इस दौरान पायलट ने कहा कि सरकार संकल्प के साथ इच्छा शक्ति दिखाए तो मुद्दे का हल निकल सकता है। सरकार को बने 3.25 साल हो गए, फिर भी जनता को न्याय नहीं मिल रहा। उन्होंने कहा कि एसबीसी आरक्षण के मुद्दे पर कोई राजनीति नहीं है। एसबीसी मामले में सरकार द्वारा वार्ता नहीं करना और सारा दोष न्यायपालिका पर मरना सरकार की कमी को दिखाता है। इस मौके पर पूर्व मंत्री मुरारीलाल मीणा, कांग्रेस जिलाध्यक्ष रामजीलाल ओर, युवा कांग्रेस लोकसभा क्षेत्र अध्यक्ष सुरेंद्र गुरैया मौजूद थे। प्रतापगढ़ के धरियाबाद में आज भयमुक्त नागरिक मंच की तहसील स्तरीय बैठक का आयोजन हुआ, जिसमें केरल राज्य में राष्ट्रवादी संगठनों पर खूनी हिंसा के विरोध में समस्त हिंदू संगठन लामबंद हुए और संपूर्ण जिले में केरल हिस्से का विरोध में एक स्वर में हिंसा की निंदा करते हुए आक्रोश रैली एवं विरोध प्रदर्शन की तैयारियों में जुट गए। आगामी 3 मार्च को जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ में एक विशाल आक्रोश रैली एवं विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी तैयारियां व्यापक रूप से की जा रही है। वही 3 मार्च को जिला मुख्यालय प्रतापगढ़ में होने वाली आक्रोश रैली एवं विरोध प्रदर्शन में जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन भी दिया जाएगा। धौलपुर के सैपो थाना क्षेत्र के गांव तसीमो गांव में देर रात एक छप्परपोश घर में आग लग गई, जिसपे एक मासूम के साथ मां जिंदा जल गई और एक बेटा किसी प्रकार से आंख की लपटों से चीरता हुआ बाहर निकल आया, जिसे सैपो चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार तसीमो गांव निवासी बबलू किसी शादी समारोह में शरीक होने गया था और घर में पत्नी ममता, दोनों बच्चों गौरव और शिव के साथ सोई हुई थी, तभी अचानक आग लग गई। भरतपुर के वैर में सरपंचों से शौच मुक्त कराने के लिए कलश देकर संकल्प कराया गया और ODF ग्राम पंचायत आमोली, सलेमपुर कला, सरसेना एवं गोविंदपुरा ग्राम पंचायत के सरपंच को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं 46 ग्राम पंचायतों में से मात्र 4 ग्राम पंचायत ही ODF घोषित हुई है। डूंगरपुर के झोत्री में विकास नगर गांव में मंदिर प्रतिष्ठा महोत्सव के तहत मूर्तियों की गाजेबाजे के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। इस दौरान क्षेत्र के बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भाग लिया। दौसा के सिकंदरा में गुर्जर शहीद स्मारक पर बैठे एसबीसी अभ्यर्थियों का क्रमिक अनशन जारी है। 3 अभ्यर्थी सहित 2 गुर्जर महासभा के लोग भी आज अनशन पर बैठे हैं। टोंक के उनियारा में सवाईमाधोपुर से जयपुर जाते समय वैभव गहलोत का कांग्रेस पदाधिकारियों ने स्वागत किया। वह युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव धीरज मीणा सहित तहसील क्षेत्र के कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। बारा के किशनगंज भवनगढ़ में युवती से हुआ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने युवती का मेडिकल कराकर 164 के बयान करवाए। वही महिला आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। बारा के छबड़ा बापचा थाना क्षेत्र के मोरेली पठार गाँव के जंगलों में मिले एक महिला के शव के बारे में पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। घटना के समय पुलिस ने मौके पर कोटा से आई फॉरेंसिक टीम से शव का परीक्षण कर मौत के कारणों के साक्ष्य एकत्रित किए तथा शव के पास से एक युवक का फोटो भी बरामद हुआ, जिसके आधार पर महिला के शव के बारे में पता लगाने के प्रयास किए थे, परंतु लगभग 2 माह का समय बीतने के बाद भी पुलिस अभी तक इस मामले में कुछ नहीं कर पा रही। उदयपुर के कोटरा में बैंक की लापरवाही से पिछले 6 माह से अपनी पेंशन राशि नहीं मिलने से परेशान कई बार बैंक के चक्कर काट कर परेशान हो गए हैं। इस परेशानी को देखते हुए ग्रामीण भी पेंशनर्स के समर्थन में आ गए हैं। समस्या से नाराज ग्रामीणों ने बैंक पर ताला जड़ दिया है। पूरा दिन अपनी मांगों को लेकर बैंक के बाहर आंदोलन शुरू कर दिया। शाम को उपखंड अधिकारी के आश्वासन के बाद ग्रामीण माने। टोंक के उनियारा में जिला कलेक्टर सूबे सिंह यादव ने देवली स्कूल का निरीक्षण किया। पोषाहार चखने पर सब्जी में तेल कम डालने एवं गुणवत्ता पर आधार ध्यान देने के निर्देश दिए। वही स्कूल निरीक्षण के बाद भी जनसुनवाई की गई, जिसमें समस्याओं का निराकरण करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए गए। उदयपुर के कोटरा में चिकित्सा विभाग की ओर से क्षेत्र में धूम्रपान एवं तंबाकू के खिलाफ अभियान के दौरान कोटपा एक्ट के तहत ऐसे दुकानों पर कार्रवाई की गई जो ये सामग्री बेचते पाए गए। मुख्यालय पर BMO डॉक्टर शंकरलाल चव्हाण के द्वारा कार्रवाई की गई। इसके अलावा अलग अलग दलों द्वारा कार्यवाही करते हुए कुल 574 चालान काट बनाए गए। उदयपुर के कोटरा में ABVP की ओर से आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता का खिताब कंडी ए ने 5-1 से जीत लिया है। प्रतियोगिता फाइनल कंडी ए और कंडी बी के बीच खेला गया। सहमति, रोशन, प्रजापत आदि के द्वारा ट्रॉफियां दी गई। विजेता को नकद 5 और उपविजेता को 2100 रुपए दिए गए। इस अवसर पर कोटरा मुख्यालय पर कार्यालय खोलने की घोषणा भी की गई। धौलपुर के राजा खेड़ा कस्तूरबा गांधी विद्यालय मुरैना में किशोरी मेला का आयोजन किया गया। वहीं जिला शिक्षा अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों ने छात्राओं को हौसला अफजाई की। धौलपुर के राजा खेड़ा में जुआ खेलते 5 लोग गिरफ्तार किए गए। मामला मनिया थाने का है।
टोक के देवली बिजली निगम ने पूरे गांव की बिजली काट दी है। गांव के 80 बकायेदारों पर 5 लाख से ज्यादा की राशि का बकाया चल रहा है। मामला राजमहल पंचायत के माताजी के राबता का है। टोंक के देवली चिकित्सालय प्रशासन पर बिजली बिल के 2,20,000 की राशि बकाया चल रही है। वहीं बिजली निगम ने चिकित्सालय प्रशासन को आखिरी चेतावनी भी दी है। टोंक के देवली पुलिस ने धूम्रपान करने वालों पर कार्यवाही करते हुए 326 लोगों से जुर्माना वसूल किया है। हनुमानगढ़ के रावस्तर पल्लू कस्बे के केंद्रीय सहकारी बैंक की खरीफ फसल मुआवजे शिकायत को लेकर कलेक्टर पल्लू पहुंचे। उन्होंने किसानों को खरीफ फसलों का मुआवजा देने के लिए बैंक कर्मियों को निर्देश दिए हैं। खरीफ फसल के मुआवजे की मांग को लेकर किसान कई दिनों से इंतजार कर रहे हैं। वहीं किसानों ने प्रदर्शन कर ज्ञापन दिया है। हनुमानगढ़ के नोहर में सवेरा सेवा संस्थान की ओर से पशुओं के गले में रेडियम रिबन लगाने का अभियान जारी है। इसके तहत शहर के विभिन्न इलाकों में जाकर पशुओं के रिबन बांधे जा रहे हैं। अभियान के प्रभारी गौरव पारिक ने बताया कि संस्था की ओर से अभी तक 1,000 से अधिक पशुओं के गले में रेडियम रिबन बांधे जा चुके हैं। पारिक के अनुसार सड़क पर विचरण करने वाले पशुओं को दुर्घटना से बचाने के लिए संस्था की ओर से बीड़ा उठाया गया है। सवेरा प्रमुख रफीक चौहान ने बताया कि जल्द ही संस्था की ओर से नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया जाएगा। हनुमानगढ़ के नोहर पेपाना सड़क मार्ग जगह जगह से टूट गया है। इससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। चकसोला JSN के पास पुलिया टूट जाने के कारण गहरा गड्ढा बन गया है। इससे वाहन चालकों को परेशानी हो रही है। SFI ने ठेकेदार द्वारा सड़क पर अवगत करवाने के बाद भी पैचवर्क नहीं किया गया। ऐसे में लोगों ने रोष जताया है। जालोर के आहो क्षेत्र के अकबरी गांव में शॉर्ट सर्किट से खेत की बाड़ में आग लग गई। वहीं आग लगने से उठे धुएं के गुब्बारे देखकर ग्रामीणों ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। अजमेर के भिनाय देवलिया कला में गंदे पानी की निकासी नहीं होने से सड़कों और पर गंदा पानी फैल रहा है। वहीं पंचायत को बार बार शिकायत करने के बावजूद प्रशासन भी इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा। अजमेर के भिनाय लामगरा के गांव भैरुखेड़ा में एक बाड़े में आग लगने से 10 ट्रॉली चारा जलकर राख हो गया है। वहीं केकड़ी से आई दमकल और ग्रामीणों की मदद से आग पर काबू पाया गया। सिरोही के पिंडवाड़ा फोरलेन की खामी लोगों की जान ले रही है। दो मार्गों पर 4 माह से 5 मौत और कई घायल हो गए हैं। वहीं नेशनल हाईवे प्रशासन भी ध्यान नहीं दे रहा। भरतपुर के डीग नागल गांव में साधु संतों का धरना 9वें दिन भी जारी रहा। भरतपुर उच्च अधिकारियों से वार्ता में कोई रास्ता नहीं निकल पाया। वहीं साधु संतों का एक दल दिल्ली रवाना हो गया है। राजसमंद के आमेट में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने CMHO डॉक्टर पंकज गौर के निर्देश पर कार्यवाही करते हुए तम्बाकू निषेध दिवस पर आमेट कस्बे में गहन जांच अभियान चलाया है। जहां कोटपा के तहत 125 दुकानों पर चालान काटे गए। इसके साथ ही आरोपी दुकानदारों को नियमों की जानकारी देते हुए चेतावनी दी गई। यदि भविष्य में कभी माह के आखिरी दिन तंबाकू उत्पाद बेचते पाए गए तो माल की जब्ती की कार्यवाही भी की जाएगी। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। चित्तौड़गढ़ के अकोला में छिपा समाज का 11वां सामूहिक विवाह सम्मेलन बेड़श नदी के तट पर श्वेतबंध रामेश्वर महादेव तत्वावधान में तुलसी विवाह समेत 7 जोड़े एक दूसरे से जीवन साथी के परिणय सूत्र में बंधे। सम्मेलन का शुभारंभ गणपति वंदना से किया गया। विवाह स्थल पर रीति रिवाज से इसमें वर वधु 1,000 महिला पुरुष शामिल रहे। साथ में ठाकुर जी की झांकी भी निकाली गई। चित्तौड़गढ़ के अकोला में क्षेत्र के रड़वा का खेड़ा में मंदिर प्रतिष्ठा के अवसर पर नानी बाई का मायरा का आयोजन किया गया, जिसमें श्री महंत चेतन दास जी महाराज के सानिध्य में नानी बाई मायरा का आयोजन किया जा रहा है। समस्त ग्राम वासियों की ओर से आयोजित समारोह में नानी बाई की कथा का आगाज हुआ। शिव स्थापना को लेकर पूरे गाँव में 51 कलश की यात्रा निकाली गयी। दौसा के मेहदीपुर बालाजी में PCC अध्यक्ष सचिन पायलट टोडा भीम क्षेत्र का आंध्या खेड़ा में शहीद हुए विकास सिंह गुर्जर, भिलाई गांव में शहीद हुए अमरा राम सिंह गुर्जर के घर पहुंचकर परिजनों को सांत्वना दी।
वहीं जाते समय बालाजी बाईपास पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत कर बालाजी महाराज का स्मृति चिन्ह और हनुमान जी की गदा भेंट की। वहीं सैकड़ों की तादाद में कांग्रेसी कार्यकर्ता मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के कपासन में ग्राम पंचायत मुख्यालय रोलिया करुकड़ा एवं रूपाखेड़ी पर स्वच्छ भारत मिशन अभियान के तहत स्वच्छता जागरूकता रैली विद्यालयों छात्रों एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा निकाली गई। विकास अधिकारी डॉक्टर कलमा शर्मा ने बताया कि मुख्यालय पर समस्त विद्यालयों के छात्रों एवं वरिष्ठ नागरिकों द्वारा ग्रामवासियों को स्वच्छ भारत मिशन अभियान की मंशा को जारी रखने के लिए स्वच्छता जागरूकता रैली निकाली गई है। विकास अधिकारी डॉक्टर शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किए गए स्वच्छ भारत अभियान मिशन में राष्ट्र को स्वच्छ बनाने की जिम्मेदारी सभी नागरिकों की है। पाली के मारवाड़ जंक्शन में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन योजना के तहत जिला कलेक्टर के आदेश अनुसार उपकरण अधिकारी गोमती शर्मा ने ब्लॉक अधिकारियों एवं ग्रामीणों के साथ अखावस गांव में 2 घंटे श्रमदान किया। इस मौके पर शर्मा ने ग्रामीणों को जल स्वावलंबन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पाली के मारवाड़ जंक्शन में सिरियारी ग्राम में स्थित राजकीय स्कूल का दौरा करने आए राज्यसभा सांसद रामनारायण डूडी की प्रधान सुमेर सिंह कुंपावत ने अगुवाई की। यही डूडी ने खेल मैदान की जमीन देने वाले भामाशाहों का स्वागत किया एवं ऐसी कार्यों के लिए तत्पर रहने की बात कही। इस मौके पर प्रधान सुमेर सिंह कुंपावत ने समिति क्षेत्र के विकास कार्यों के बारे में जानकारी दी। पाली के सोजत सिटी में सरगरा समाज का सामूहिक विवाह समारोह केंद्रीय मंत्री पीपी चौधरी एवं संत अर्जुन दास महाराज के सानिध्य में संपन्न किया गया। सामूहिक विवाह में 64 जोड़े विवाह बंधन में बंधे, वही समाज की एकता दिखाने हजारों की तादाद में लोग पहुंचे। इस मौके पर मंत्री चौधरी ने समाज में शिक्षा की बात कहते हुए कई विकास कार्यों की घोषणा भी की। पाली के मारवाड़ जंक्शन में राणावास में महाविद्यालय का वार्षिक उत्सव कार्यक्रम पूर्व जिला प्रमुख खुशवीर सिंह जोजावर के मुख्य आतिथ्य में मनाया गया। इस मौके पर सिंह ने कहा कि छात्र शक्ति आने वाले समय का भविष्य है। इसी प्रकार NSUI ब्लॉक अध्यक्ष सज्जन चौधरी एवं कांग्रेस नगर अध्यक्ष नगेंद्र सिंह गुर्जर ने युवाओं को आगे आने की बात कहते हुए युवाओं को राष्ट्र का भविष्य बताया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में श्री चारभुजा जी के मंदिर पर शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में गाजे बाजे के साथ कलश यात्रा निकाली गई। कर्मीवाड़ मंडलेश्वर चेतनदास जी महाराज के सानिध्य में प्रतिमाओं की स्थापना की गई। इस कार्यक्रम में कथावाचक कनकलता द्वारा नानी बाई को मायरी कथा का वाचन दिया गया। वहीं श्रद्धालुओं द्वारा छप्पन भोग का भी आयोजन किया गया। चित्तौड़गढ़ के कपासन में प्रख्यात सूफी संत हजरत दीवाना शाह साहब की दरगाह शरीफ पर जमादिल आखिर महीने की चांद रात के मौके पर जायरीन उमड़े। दरगाह वक्फ कमेटी के सेक्रेटरी मोहम्मद यासीन खान अशरफी के अनुसार चांद रात के मौके पर जायरीन की भारी आवक रही और मेला ग्राउंड में 350 से ऊपर अस्थायी दुकानें लगी। दरगाह शरीफ की तरफ से 50 वॉलेंटियर और सुरक्षा गार्ड हर वक्त ड्यूटी पर तैनात रहे। भरतपुर के वैर के निजी विद्यालय में पारितोषित वितरण समारोह मनाया गया, जिसके मुख्य अतिथि नगर पालिका चेयरमैन मंजू मुकेश सैनी थे। इस अवसर पर विद्यार्थियों द्वारा सांस्कृतिक और रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। वहीं अतिथियों ने कार्यक्रम में होनहार विद्यार्थियों को पारितोषित और स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया। भरतपुर के वैरपुरा संपदा प्रताप नहर की भूमि पर अतिक्रमण कर पक्के निर्माण किए जा रहे हैं, जिसको लेकर वार्ड पार्षदों ने आक्रोश व्यक्त किया है। वह नगरपालिका अध्यक्ष के नेतृत्व में जिला कलेक्टर से अवैध अतिक्रमणों के खिलाफ कार्यवाही करने की मांग की गई है। उदयपुर के पलासिया में पंचायत समिति के नरेगा कार्यालय में शॉर्ट सर्किट से लाखों का कंप्यूटर जलने से बच गया। जानकारी के मुताबिक दीवार पर चल रहा पंखा जलकर नीचे गिर गया, जिसे आग से उठी लपटोक से पास पड़ी कुर्सी ने आग पकड़ ली। आग की लपटों को देख कर्मचारियों ने मिट्टी डालकर आग पर काबू पाया। भीलवाड़ा के गुलाबपुरा में कस्बे में जलदाय विभाग द्वारा लापरवाही के चलते हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। कई जगह से कस्बे में पाइपलाइन से पेयजल सड़कों से बाहर निकलकर व्यर्थ ही बह रहा है। अभी गर्मियों की शुरुआत नहीं होने पर पेयजल की किल्लत बढ़ना शुरू हो गई है। JN जलदाय विभाग का लोगों ने 15 दिनों से पेयजल आपूर्ति करने के विरोध में घेराव किया था, परंतु जलदाय विभाग का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। जयपुर के कोटपुतली में एक अनोखी शादी हुई, जिसमें ना घोड़ा था ना बाजा था ना भात था ना बनवारा था ना दहेज की चर्चा थी, बल्कि शादी के पंडाल में दहेज न देने और न लेने, बेटी बचाओ और बिना पैसे खर्चे के शादी करने की अपील के बैनर भी लगाए गए। ये शादी बिना पैसे और बिना दहेज दिए ही हुई। इस शादी में दूल्हा और बाराती बिना बैंड बाजे गाड़ी में साधारण वेशभूषा में आए। दूल्हा और दुल्हन को एक साथ बिठाया गया, उन्होंने अपना अपना परिचय दिया और अपने गुरु रामपाल महाराज की फोटो के चक्कर लगाकर शादी की रस्म अदा की। जोधपुर के शेरगढ़ में 28 वर्षीय महिला ने अपनी 2 मासूम बेटियों के साथ पानी के टांके में कूदकर जान दे दी। बालेसर के थानाधिकारी ने बताया कि तीनों शवों का MGM अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया गया है।
मृतका के भाई ने मृतका के पति के खिलाफ बौलीसर पुलिस थाने में दहेज हत्या का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट में आरोप लगाया कि मृतका का पति शराब पीकर उसे परेशान करता था। अब पुलिस मामले की गहनता से जांच कर रही है। जयपुर के सांभर लेक जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी सीईओ आलोक रंजन ने औचक निरीक्षण किया और अधिकारियों और कर्मचारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर उप जिला कलेक्टर रामरतन शर्मा और विकास अधिकारी अनुपमा सक्सेना उपस्थित थे। जयपुर के सांभर लेक कांजीपुरा पर जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी के समय पर नहीं पहुंचने पर ग्रामीणों को निराश लौटना पड़ा। दोपहर में 3 बजे जिला परिषद के कार्यकारी अधिकारी आलोक रंजन को जनसुनवाई करने के लिए पहुंचना था, लेकिन शाम को 5 बजे बाद पहुंचे, जिससे लोग निराश ही लौटे। जनसुनवाई में नहीं पहुंचने पर सीईओ रंजन से पूछने पर काजीपुरा में जनसुनवाई कैसे होगी, आप तो इतना ही लेट हो गए हो, इस पर उनका कहना था कि वहां पर जनसुनवाई नहीं है, वहां तो मैं ऐसे ही जा रहा था। बाड़मेर के बायतू में अंतर्राष्ट्रीय धावक दीपाराम गोदारा का बायतू में जोरदार स्वागत किया गया। दीपाराम ने लेजर वैली पार्क गुड़गांव हरियाणा में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय हाफ मैराथन दौड़ में खिलाड़ियों में 5वां स्थान हासिल किया है। दीपाराम गोदारा का साफा पहनाकर माल्यार्पण कर भव्य स्वागत किया गया। कस्बे के मुख्य बाजार से ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला गया। वही बायतू भोपाजी सरपंच आशुराम बैरड ने दीपाराम गोदारा को 20,000 रुपए का चेक सौंप कर बधाई दी। झुंझुनू के खेतड़े में हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड में मैनेजमेंट और यूनियन के बीच चल रहे विवाद में सुलह करवाने के लिए बातचीत शुरू हो गई है। ये पहल मध्य प्रदेश के श्रम मंत्री सुल्तान सिंह शेखावत ने की है। श्रम मंत्री ने केसीसी प्रोजेक्ट के जीएम आर के शाह से एचसीएल मैनेजमेंट और केसीएमएम यूनियन के बीच हुए विवाद के बारे में चर्चा कर आपस में मामले को सुलझाने की बात कही है। चूरू के सरदार शहर एसपी राहुल भारत ने निर्देश पर कस्बे में पुलिस में धूम्रपान अभियान चलाया है। पुलिस ने कोटपा एक्ट के तहत सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान कर रहे लोगों के चालान काटकर यहां धूम्रपान न करने की सलाह दी है। पुलिस ने 2 टीमों का गठन कर जगह जगह कोटपा के तहत कार्यवाही भी की। जालौर के जसनपुरा स्वास्थ्य केंद्र में रेफरल शिविर आयोजित किया गया, जिसमें 80 बच्चों के स्वास्थ्य की जांच की गई। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। सीकर के रिंगस में जिला कलेक्टर ने देश और प्रदेश की खुशहाली की मनोकामनाएं मांगी। जिला कलेक्टर कुंज बिहारी गुप्ता ने आज बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचकर निशान चढ़ाया और मंदिर में आने वाले भक्तों की खुशहाली की मनोकामनाएं मांगी। इस अवसर पर जिला कलेक्टर कुंज बिहारी गुप्ता ने कहा कि मेले का शुभारंभ कर दिया गया है। इसी के साथ अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक उपखंड अधिकारी सहित जिले के सभी प्रशासनिक अधिकारी बाबा श्याम के मंदिर में पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। जयपुर के फुलेरा में कुमावत समाज विवाह समिति के तत्वावधान में समाज का 13वां सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित हुआ, जहां 27 जोड़े विवाह के बंधन में बंधे, वहीं हजारों की संख्या में लोगों ने पहुंचकर वर वधुओं को आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर भामाशाहों का सम्मान समारोह भी आयोजित किया गया, जहां विधायक निर्मल कुमावत, पूर्व नावा विधायक हरीश कुमावत सहित समाज के जनप्रतिनिधि और पदाधिकारी मौजूद थे। अजमेर के पुष्कर राज के चिकित्सालय में कार्यरत गायनिक आंचल पराशर ने गायनिक मीनाक्षी धाकड़ पर संदेह व्यक्त करते हुए हाजिरी रजिस्टर में काट छाट करने की लिखित में शिकायत दी। शिकायत मिलने के बाद चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर आर के गुप्ता और डॉक्टर एमडी कालरा हरकत में आए। उन्होंने दोनों महिलाएं डॉक्टर्स को कार्यालय में बुलाकर मामले की जानकारी ली। इस दौरान पाराशर और धाकड़ ने एक दूसरे पर जमकर आरोप प्रत्यारोप लगाए। उच्च अधिकारियों द्वारा समझाइश और 2 दिनों में मामले का निस्तारण करने के आश्वासन के बाद मामला थोड़ा शांत हुआ। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहिड़ा में नवगठित कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। नवगठित कार्यकारिणी के अध्यक्ष सुरेश प्रदाल, सचिव हिम्मत भड़ावर, कोषाध्यक्ष महावीर झाछेड़, उपाध्यक्ष दिलीप गांधी का शपथ समारोह अध्यक्ष पूर्व विधायक अशोक नवलखा ने शपथ दिलाई। श्रीगंगानगर के सादुल शहर में डीएवी स्कूल के विज्ञान मेले का आयोजन किया गया। उद्घाटन मंडी समिति के पूर्व अध्यक्ष प्रभजित कौर बराड़ ने किया।
स्टूडेंट्स ने मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक ट्रेन, इमर्डेशन DDMF, पत्थर कटर, कूलर ड्रेन और वाटर हार्वेस्टिंग वैक्यूम क्लीनर आदि के आकर्षक मॉडल प्रदर्शित किए। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में दिगंबर समाज के पूर्व अध्यक्ष भगवती लाल सोनी का चिकित्सालय में इलाज के दौरान हृदयघात से निधन हो गया है। दुर्गतघड़ी में परिजनों ने राष्ट्रीय क्रिया अंधवत निवारण कार्यक्रम के तहत मृत की अंतिम इच्छा अनुसार नेत्रदान करवाया। यह क्लब का 332वां नेत्रदान है। लायंस के आई डोनेशन चेयरमैन डॉक्टर JM जैन ने मृतक के शल्य क्रिया द्वारा नेत्र उत्साहित कर प्रत्यारोपण हेतु निमच गुमाबाई नेत्रालय भिजवा दिए हैं। जयपुर के जमवा रामगढ़ में नेशनल लेवल यूथ फर्स्ट साइट 2017 के तहत इंटर कॉलेज कंपटीशन का शुभारंभ मां शारदे के समक्ष दीप प्रज्वलित कर किया गया। उद्घाटन में मुख्य अतिथि अंशुमन भौमिया DCP नॉर्थ के कर कमलों द्वारा किया गया। वे विद्यार्थियों को सन्मार्ग पर चलने की शपथ दिलाई। इस अवसर पर संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर संत कुमार चौधरी ने आगंतुक अतिथियों का स्वागत को धन्यवाद ज्ञापित किया। चुरू के सरदार शहर में राजकीय टांटिया बालिका विद्यालय में कक्षा 9 की 153 छात्राओं को राजस्थान सरकार निःशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम के तहत साइकिल वितरित की गई। छात्राओं को साइकिल मिलने पर उनके चेहरों पर खुशी देखी गई। कार्यक्रम में पालिका अध्यक्ष सुषमा पीचा ने छात्राओं को साइकिल का वितरण कर कहा कि छात्राओं को दूर से पैदल चलकर स्कूल आने में परेशानी होती है, वो अब साइकिल से चलकर स्कूल आ रही है। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सुरसागर जोधपुर में आयोजित 15वीं पुरुष एवं 13वीं महिला सीनियर राज्य स्तरीय आठिया पाटिया प्रतियोगिता में चित्तौड़गढ़ जिले की टीम ने पुरुष और महिला वर्ग में रजत पदक जीता है। 25 एवं 26 फरवरी को आयोजित हुई प्रतियोगिता में भाग लेकर लौटी टीम के भदेसर पहुंचने पर ग्रामीणों ने जोरदार स्वागत किया और ढोल नगाड़ों के साथ जुलूस निकाला। झुंझुनू के सिंघाड़ा में खाटू वाले बाबा श्याम के मेले में जाने के लिए श्याम भक्तों का सैलाब उमड़ रहा है। बुधवार को सिंघाना से श्री श्याम मित्र मंडल के तत्वावधान में भक्तों का रैला खाटू श्याम के लिए रवाना हुआ। बाबा के भक्त अंतर सिंह ने बताया कि हर साल मित्र मंडल की तरफ से बाबा के चरणों में निशान चढ़ाया जाता है, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालु नाचते गाते हुए पैदल खाटू धाम पहुंचते हैं। पदयात्रा कस्बे के मुख्य मार्गों से गुजरते हुए खाटू के लिए रवाना हुए जगह जगह पदयात्रा का स्वागत किया गया। नागौर के मेड़ता सिटी के इंद्रावड़ गांव में चल रही नेहरू युवा केंद्र नागौर और युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा आयोजित 2 दिवसीय ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिता का समापन किया गया। इस प्रतियोगिता में वॉलीबॉल, एथलेटिक दौड़ और रस्साकस्सी खेल का आयोजन किया गया, जिसमें कुल 11 टीमों ने भाग लिया। भीलवाड़ा के बिजोलिया में ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सेवा केंद्र पर मुक्ति प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस मौके पर ब्रह्म कुमारी रचना दीदी ने कहा कि इंसान तनाव से मुक्त होगा तभी व्यसन से मुक्त होगा। किसी भी समस्या को राय से पहाड़ और पहाड़ से राय बनाना मनुष्य के विचार पर निर्भर करता है। बारा के किशनगंज में भवरगढ़ खेत पर पशुओं का चारा लेने गई बंजारा जाति की युवती से दुष्कर्म करने वाला आरोपी पुलिस की पकड़ में नहीं आ पाया। पुलिस ने बताया कि महिला का मेडिकल करवा लिया है, 164 के बयान भी करवा लिए हैं। वहीं 386 IPC में प्रकरण प्रतिबंध किया गया। आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की जाएगी। वही महिला आरोपी की जल्द गिरफ्तारी की मांग कर रही है। चूरू के सरदार शहर में मेगा हाईवे पर रात को बाइक सवार 3 युवकों को एक अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे में युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने युवकों के शवों को राजकीय अस्पताल में मोर्चरी में रखवाया है। युवकों ने जेब में पहचान पत्र होने से युवकों की पहचान फतेहपुर शेखावटी निवासी के रूप में हुई है, जिस पर पुलिस ने फतेहपुर थाने में सूचना देकर मृतकों के परिजनों को सूचित किया। सुबह परिजनों के आने के बाद पुलिस ने तीनों शवों का पोस्टमार्टम कराकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया। पुलिस ने मालासर टोल नाके पर CCTV फुटेज भी खंगाले, जिस पर अज्ञात वाहन तलाश की जा सके। पुलिस ने परिजनों की रिपोर्ट पर मामला दर्ज कर मामले की जांच शुरू की। अलवर के भैरोड़ में पंजाब नेशनल बैंक से पैसे निकालकर घर जा रहे बुजुर्ग से बदमाशों ने 50,000 रुपए लूट लिए। घटना के बाद पीड़ित बहरौड़ थाने पहुंचा और आबीती पुलिस को सुनाई, जिस पर पुलिस ने नाकेबंदी कराकर CCTV फुटेज देखकर उसके आधार पर बदमाशों को पकड़ने में जुट गई है। नागौर के डिडवाना में सुपका रोड को चौड़ा करने के दौरान सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा रविवार को एक मजार और एक दरगाह के बरामदों को तोड़ने के बाद रोष उपज गया। इस दौरान मुस्लिम समुदाय के लोगों ने विभाग की कार्रवाई के खिलाफ मौन जुलूस निकालकर विरोध जताया। इस मौके पर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया गया और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। राजसमंद के आमेट में देवरिया स्कूल में 2 दिवसीय खंड स्तरीय संस्था प्रधानों की वाकपीट का समापन किया गया।
कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कुंभलगढ़ के पूर्व विधायक गणेश सिंह परमार रहे। समारोह के दौरान स्थानीय शाला की बालिकाओं ने नृत्य की जोरदार प्रस्तुतियां दी। इस दौरान आमेर तहसील के करीब 70 संस्था प्रधान मौजूद रहे। अजमेर के विजयनगर में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल द्वारा विशाल हुंकार भगवा रैली संचालित की गई। नारी शक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। नारी शक्ति ने हाथों में अस्त्र शस्त्र लेकर भारत माता की जय के नारे लगाती हुई चल रही थी। शहर में जगह जगह लोगों ने पुष्प वर्षा कर भगवा रैली का भव्य स्वागत किया। झुंझुनू के खेतड़ी में HCL में ठेका कंपनियों के टेंडर निरस्त हो जाने के चलते काम करने वाले मजदूरों को काम करने का हिसाब नहीं मिल पा रहा। ठेका मजदूरों ने SDM संजय दुबे को ज्ञापन सौंप कर पीड़ा बताई। ठेका मजदूरों का कहना है कि 25 फरवरी को दोनों ठेका कंपनियों का कार्यकाल समाप्त हो जाने से मजदूरों के सामने रोजी रोटी का संकट तो खड़ा हो ही गया। जयपुर के सांभर लेक में सभी प्रमुख बैंकों की शाखाओं पर हड़ताल होने के कारण मंगलवार को दिन भर ताले लटके रहे। यहाँ पर बैंकों का कामकाज बंद रहा और जिसके चलते करोड़ों रुपए के चेक अटके हुए। राष्ट्रव्यापी हड़ताल के कारण यहाँ के SBI, PNB सहित सभी मुख्य बैंक बंद रहे और लोगों के लेन देन के कार्य नहीं हो पाए, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। झालावाड़ के बकानी में युवक की ट्रैक्टर से हुई मौत का मामला पिता ने पुलिस थाने में दर्ज कराया है। वहीं पुलिस ने ट्रैक्टर चालक को फरार होना बताया है। अब वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे।